जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मित्र। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एक अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों बताना चाहूँगा सीधा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मियों, अस्थायी कर्मियों, नरेगा कर्मियों, प्राइवेट कर्मियों, आंगनबाड़ी बहनों और रसोई से संबंधित मिड डे मील, रसोई से संबंधित भारत की किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है दोस्तों, हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। दोस्तों खासकर बताना चाहूँगा सीधा कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। इस कोरोना महामारी के अंदर जो सीधा कर्मचारी उसके लिए जो भी निर्देश जारी होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, चाहे आपका वेतन बढ़ोतरी है, अतिरिक्त भत्ता आपको दिया जा रहा है, आपका ड्यूटी में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है, या फिर कोई आपको जो 50 लाख का बीमा से संबंधित अगर क्या कोई खबर है तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। दोस्तों आज दो तीन खबरें लेकर आए, हाईकोर्ट का एक फैसला आया, एक 5 महीने का रुका हुआ वेतन के बारे में बताएंगे, वो 70% वेतन देने के आदेश भी जारी हुए। तो इन 3-4 बड़ी खबरों के साथ में हमें आज वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 3 खबरें दोस्तों आपको बिल्कुल इस वीडियो के अंदर मिलेगी, बिल्कुल आप कॉमेंट, गंदे कॉमेंट कुछ भाई बंधु करते हैं प्लीज़ स्टॉप कर दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होती है लेकिन जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। प्लीज़ गंदे कमेंट नहीं कीजिएगा, कोई भी एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थंबनेल पे जो भी चीज़ होगी दोस्तों वीडियो में आपको पक्का वो मिलेगी। तो देखते हैं पहली खबर। दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बिना वेतन काम कर रहे हैं 23 कर्मचारी। तो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसके बाद में भी 23 कर्मचारी काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त के आदेश के अनुपालन करने के बाद में प्रमुख संवाददाता निगम के RRY केंद्रीय कार्यशाला के 23 कर्मचारियों को कोरोना वायरस के प्रकोप में बिना वेतन काम लिया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने 6 फरवरी को ही इन कर्मचारियों को विनियमित करने का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया था। कर्मचारी को नगर आयुक्त के पत्र भेजकर हाईकोर्ट का आदेश का अनुपालन करने की गुहार लगाई है और ये कर्मचारी 2000 के पूर्व इसके सेवादाय कर कार्य थे। वर्ष 2016 में शासन के आदेश पर ऐसे सभी कर्मचारियों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्य करने का दबाव बना। ज़्यादातर कर्मचारियों के कार्यदायी संस्था में से तैनाती को स्वीकार कर लिया, लेकिन 23 कर्मचारियों पर नगर निगम के इस फरमान को नहीं माना, वह हाईकोर्ट की शरण में चले गए और वर्ष 2018 में विनियमीकरण की मांग की तो सभी का वेतन भी रोक दिया गया। वह पिछले 25 माह के बिना वेतन के नगर निगम की सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2019 में नगर निगम कार्यालय के शासन के मार्गदर्शन मांगा तो 2001 की पूरा के सभी कर्मचारियों को विनियमित करने को कहा और नगर निगम में पद भी खाली है, इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी मामले में टाल रहे हैं। और उधर 6 फरवरी को हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने 2 माह में सभी 23 कर्मचारियों को विनियमित करने का व बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया। तो कहा कि इस महामारी में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए और 25 माह का वेतन न मिलने के कारण भूखमरी की कगार पर भी है। जो आदेश का उसका पालन किया जाएगा और आदेश भी काफ़ी मिलने के बाद भी इस पर कुछ कहा जा सकता है। अमित कुमार, अपर नगर आयुक्त। रेलवे के संविदा कर्मी पाएंगे 70% की रकम। तो देख सकते हो रेलवे के जो संविदा कर्मचारी अगर कार्यरत हो, रेलवे में आप आउटसोर्स सोर्सिंग पर कार्य कर रहे हो तो कर्मचारी को राहत है। लॉकडाउन में रेल कर्मियों को सैलरी मिलेगी और रेलवे की कर्मियों को सैलरी की 3/4 राशि देने की कहा है। और मुरादाबाद में रेल मंडल के करीब 5000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस के चलते यात्री रेल सेवा का संचालन बंद है और रेलवे रेगुलर के अलावा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कई कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तौर पर कार्य कर रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म व अन्य सफाई का काम भी ठेके पर है। यहां सफाई के लिए करीब 160 कर्मचारी सुविधा पर हैं और इसी तरह ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग, वातानुकूलित ट्रेन सफाई, पेंट्री कार और अन्य कॉमर्शियल स्टाफ की सुविधा पर कार्य कर रहे हैं। अब लॉकडाउन में ऐसे सुविधा कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मामले में रेलवे बोर्ड ने संज्ञान दिया कि जानकारों के माने तो रेलवे के इस सिलसिले में विभाग में कार्य सुविधा कर्मचारी को 70% राशि देने के लिए कहा है। वो बोर्ड में एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर विजय गर्ग ने इस बारे में हिदायत भी जारी की है। कंबाइंड अस्पताल के सेवा कर्मियों को मिला 5 महीने का वेतन। तो 5 महीने का वेतन दिया गया। अस्पताल में तैनात 54 सेवा कर्मचारियों को 7 महीने का वेतन न मिलने के मामले में एनबीटी की खबर का असर हुआ। छपने के बाद में आपका खबर छपने के बाद में अस्पताल के CMS डॉक्टर नरेश विज ने कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली एजेंसी अवनी परिधि के
प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई और FIR कराने की चेतावनी दी, जिसके बाद एजेंसी सभी का 5 महीने का वेतन तुरंत रिलीज कर दिया और 2 महीने का वेतन अगले महीने वेतन के साथ देने की बात कही है। और सैलरी मिलने के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने NBT को थैंक यू भी कहा। कंबाइंड अस्पताल में आउटसोर्सिंग के जरिए अवधि करीब कंपनी में 54 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। अधिकतर वार्डबॉय और सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों को अगस्त से वेतन नहीं मिला था। इस दौरान कोरोना के संक्रमण चलते सभी ड्यूटी कोरोना वार्ड समेत अन्य वार्डों में लगाई गई। वो कर्मचारी लगातार 36 घंटे भी काम के लिया जा रहा है। कर्मचारियों ने अस्पताल के लिए CMS के वेतन नहीं मिलने की शिकायत की और काम न करने की चेतावनी दी, लेकिन CMS ने इस मामले की असमर्थता जताई थी। तो देख सकते हो, ये थी आज की मुख्य मुख्य खबरें। सुविधा कर्मचारी से संबंधित अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि बताया था आपको, 3 खबरें आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, तो 3 खबरों के बारे में हमने बताया। ऐसी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ में बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।